कसम से अब टीवी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज वीडियो में बहुत मजा आ रहा है, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि अब आपका घर जो है एक छोटा सा प्रोजेक्टर है और 80 इंच तक आपकी दीवार को जो है सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर देगा, मजा आ जाएगा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BR Tech Films, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR Tech Films पे कोशिश रहती है अमेजिंग टेक के वीडियोस, हमेशा यही कहता हूँ। और इस अमेजिंग टेक के वीडियो के लिए मुझे लगा है तकरीबन 1.5 महीना। प्रोजेक्टर मेरे पास आया 25 दिन पहले, अलग अलग समय पे मैंने इसकी वीडियो को शूट किया, इसको पूरा अच्छे से टेस्ट करने के लिए। उसके बाद में मैंने उन वीडियो क्लिप्स को कंबाइन किया, 2-3 बार मेरे हाथ से ये गलती से गिर भी गया उसी दौरान में। फिर भी मैंने पूरी अपनी कोशिश करी कि कोई भी चीज ना छूटे और इस वीडियो में मैं आपको हर जानकारी इस प्रोजेक्टर की दूं। पहले मैं ये बता दूं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रोजेक्टर चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए यानी कि ऑफिस वर्क के लिए, तो वो इस प्रोजेक्टर को ना लें। ये प्रोजेक्टर का मकसद है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, यानी कि सेट टॉप बॉक्स, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें जो है इसमें कनेक्ट करके दीवार को बना सकते हैं आप एक बड़ी स्क्रीन, तकरीबन 25 से 80 इंच का स्क्रीन साइज। 80 इंच बहुत होता है, 6 से 6.5 फुट की स्क्रीन बन जाएगी आपकी। प्राइस, लेने का तरीका, हर चीज बताऊंगा, पहले प्रोजेक्टर दिखाता हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको। तो प्लीज मेहनत बहुत करी है, लाइक जरूर करना इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, मैं लिंक दे दूंगा गियर बेस्ट का आपको खरीदने के लिए। यहाँ पावर एडेप्टर मिलता है, एक AV का जो है एक यहाँ पे कन्वर्टर मिलता है ऑडियो वीडियो केबल लगाने के लिए, 3.5 mm से ऑडियो वीडियो की वायर लगाने के लिए। एक फुली फंक्शनल रिमोट मिलता है और ये जो प्रोजेक्टर है ये काफी छोटा है। इस रिमोट में आपकी पड़ेंगी AAA की 2 बैटरीज, जो और सारे रिमोट्स में वही पड़ती है, तो वो बैटरीज इसमें लगा के। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इसमें फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, फ्लिप, बहुत सारे मीडिया के बटन्स जो हैं दे रखे हैं। फुली फंक्शनल रिमोट है। इस प्रोजेक्टर को निकालते हैं जो कि हमारी मेन चीज है, ये तो काफी गजब की चीज है। इस प्रोजेक्टर में आपको बेसिक सारे बटन्स मिल जाएंगे, फीचर्स जितने भी हैं इसमें उसके। यूजर मैनुअल बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एक एक चीज डिटेल में दी है। ये सारी चीजें इस बॉक्स के अंदर है, gearbest.com से ये मिल जाएगा आपको। प्राइस पड़ेगा, इसमें शिपिंग फी भी लगेगी, तो प्राइस इसका पड़ेगा तकरीबन 3 से 3.5 हजार। तो 3 से 3.5 हजार में प्रोजेक्टर वैसे नहीं आते, ये एंटरटेनमेंट का है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। और अगर आप प्रोजेक्टर देखेंगे तो 12-15 हजार तक के प्रोजेक्टर आते हैं, काफी सस्ता है। पीछे यहाँ पे आप इसका पावर अडेप्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो दे रखा है ये रिमोट का सेंसर है, तो रिमोट यहाँ से काम करेगा। अब इसको आप अपने छत पे भी माउंट कर सकते हैं उल्टा, क्योंकि रिमोट में फ्लिप का ऑप्शन है, तो दीवार पे सीधा दिखेगा। पावर बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं पहला जैक, उसके बाद मेमोरी कार्ड, AV, हेडफोन्स और अपना USB। अब इसमें बिल्ट इन स्पीकर है, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप नॉर्मली सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके दीवार पे देख रहे हैं, यहां से माउंट कर सकते हैं आप इसको, तो बिल्ट इन स्पीकर की वजह से आवाज आ जाएगी। उतनी अच्छी क्वालिटी आवाज की नहीं आएगी क्योंकि मिनी प्रोजेक्टर है, आप अलग से इसमें एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हैं हेडफोन वाले जैक में, जो आराम से अच्छे से काम करते हैं। काफी छोटा है, देखिए मेरी हथेली में आ गया है और अभी मैं इसको दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको कि एक मोबाइल से भी छोटा है नॉर्मल मोबाइल जो हम यूज करते हैं। वीडियो में कुछ चीजें ऐसे समझ नहीं आती लेकिन मैं आपको हर चीज जो है इत्मीनान से अच्छे से बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। HDMI से कनेक्ट नहीं होगा, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट होगा या तो USB पेन ड्राइव लगा दीजिए या मेमोरी कार्ड लगा दीजिए, या डायरेक्ट आप अपना कोई एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स है, या किसी टीवी में टीवी आउट है उसे लगाइए। दीवार पे जो है इसकी स्क्रीन को फोकस करके आप इसको जो है आराम से दीवार पे इसको देख सकते हैं, यानी टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये प्रोजेक्टर ही आपका जो है दीवार पे आपकी स्क्रीन जो है वो मेंटेन कर देगा। दो बार मुझसे गिरा भी था ये प्रोजेक्टर इसी वजह से, जब मैं इसको फोकस नहीं कर पाया और वीडियो की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे AV लग जाएगी, मैं इसको भी पावर अडेप्टर पे लगाता हूँ और आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ और इसके बाकी के फीचर्स बताता हूँ। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड सब अच्छे से काम करता है, पावर बैंक अच्छे से लग जाती है इसमें, 5 वोल्ट 2 एम्पर वाली जो पावर बैंक आती है वो लग जाती है। तो इसका पावर अडेप्टर जो है सबसे पहले हम ये लगाएंगे। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ये देखिए पावर के पास में रेड लाइट जली है छोटी सी, मैं इसके रिमोट से जो है इसके रेड बटन दबाता हूँ और यहाँ पे ये ब्लू हो जाती है और देखिए ये सामने जो है अब रोशनी आ गई है प्रोजेक्टर के लेंस से, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर की रोशनी आ गई है। बस यही है, अब आपको प्रोजेक्टर अपने हिसाब से जहाँ पे आप रखना चाहें, कोशिश कीजिए कमरे में अंधेरा हो
और दीवार आपकी या तो बिल्कुल डार्क हो या वाइट कलर का आप कपड़ा पर्दा कुछ भी लगाइए। यहाँ पे सारी डिटेल्स इसके यूजर मैनुअल में दे रखी है और एक एक फंक्शन के बारे में भी यूजर मैनुअल में बता रखा है। gearbest.com का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपको अभी जो है ये सही रेट पे मिल जाएगा। वहाँ पे रेट्स बहुत चेंज होते हैं, फिलहाल में इसका रेट चल रहा है $30 जो कि 2100 रुपये होता है और 1200-1400 रुपये की वहाँ पे जो है शिपिंग फी भी इंक्लूडेड है। देखिए मैंने ट्राईपॉड पे भी इसको माउंट किया क्योंकि इसमें ऑप्शन है माउंट करने का, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम इसे ट्राईपॉड पे फिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ू लोग हैं और नट लगा के भी इसको छत पे भी आप सीलिंग पे अपने एडजस्ट कर सकते हैं परमानेंटली अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए इसको लेना चाहते हैं। फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है। यहाँ पे कोई बैटरी का होल दे रखा है लेकिन कौन सी बैटरी लगेगी इसमें ये कहीं यूजर मैनुअल में नहीं लिखा हुआ। मैं रिकमेंडेशन आपको यही दूंगा कि आप इसमें अगर बैटरी से चलाना चाहें तो पावर बैंक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बैंक से ये आसानी से चल जाएगा। अब आप इसमें पावर बैंक कनेक्ट करेंगे या फिर बिजली वाला अडेप्टर जो साथ में मिला है ये अपना आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और ये जूम इन जूम आउट है, अगर आप फोकस करेंगे इसको दीवार पे या अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन पे या वाइट पर्दे पे तो ये आराम से अच्छे से वहां पे जो है फोकस हो जाएगा और आपको जो है अच्छे से एक अच्छा डिस्प्ले वहां पे मिल जाएगा। अब तकरीबन 80 इंच की स्क्रीन बना देता है ये आपकी दीवार को या पर्दे को। अब मोबाइल से एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूं, तो देखिए मोबाइल से छोटा है, ये सैमसंग का एक फोन है, तकरीबन 6.5 इंच का फोन है, इससे तो ये प्रोजेक्टर छोटा है, काफी हैंडी है, हथेली भी आ जाता है आराम से। तो मतलब अगर आप सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस घर में करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्टर काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और सस्ता है। तो यहाँ पे मेरी दीवार का कलर थोड़ा सा जो है डल है इस समय जिस एरिया में मैं इसको शूट कर रहा हूँ, दिन का टाइम है और रोशनी काफी आ रही है, यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड्स भी मेरे पास ऐसे नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फोकस करने की। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन, इस समय मैंने जो इसको मैक्सिमम इस समय स्क्रीन जो हिसाब से लगाई है ये तकरीबन 5 फुट की स्क्रीन बन चुकी है दीवार पे। और यहाँ पे अगर आप मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये कुछ सेटिंग्स हैं इसके जो रिमोट में है, आपको मिल जाएगी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये सब आप सेट कर सकते हैं और फ्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन उल्टा सीधा जैसे। तो यानी प्रोजेक्टर आप कैसा भी लगाएं टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कहीं पे भी एडजस्ट करें, फ्लिप करके आप सामने जो स्क्रीन कन्वर्ट करते हैं दीवार को या पर्दे को वहां पे आपको सीधा देखने को मिल जाएगा फ्लिप के ऑप्शन से। यहाँ मूवी म्यूजिक फोटोज MP3 फाइल्स आपकी और MP4 AVI फॉर्मेट्स ये सब प्ले हो जाएंगे। और फिर से बता रहा हूँ इसमें HDMI पोर्ट नहीं है, सेट टॉप बॉक्स AV से कनेक्ट हो जाएगा, मेमोरी कार्ड डायरेक्टली इसमें प्ले हो जाएगा, पेन ड्राइव इसमें डायरेक्टली प्ले हो जाएगी, ओनली टेक्स्ट फाइल्स इसमें चलेंगी, पावर पॉइंट या वर्ड वाली प्रेजेंटेशन वाली जो फाइल्स होती हैं वो इसमें सपोर्टेड नहीं है। जैसा मैंने कहा ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए ये प्रोजेक्टर बना है, मिनी प्रोजेक्टर है। और फिर से बोल रहा हूँ जो लोग कई बार कमेंट करते हैं कि कहाँ से लें कितने का लें, वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मेरा एक पुराना वीडियो है जो मेरी पेन ड्राइव में पड़ा है, मैं इसको प्ले करके देख रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अंधेरा होना ज़रूरी है कमरे में तभी अच्छा फोकस होता है। तो यहाँ पे मैं कैमरा से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस समय जो अपने, तो यहाँ पे कैमरा का फोकस मेरा तिरछा बैठ रहा है इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो काफी बड़ा डिस्प्ले जो है मेरी दीवार पे आ गया है मेरे ही एक वीडियो का जो मैं पेन ड्राइव से इस प्रोजेक्टर पे को प्ले कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया पेजेस के लिंक हैं, वो आप जरूर चेक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। समय जरूर लगाता हूं लेकिन रिसर्च करके कोशिश रहती है हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देता रहूं। तो इस प्रोजेक्टर के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। HDMI नहीं लगेगा, AV से चलेगा, मेमोरी कार्ड लग जाएगा, पेन ड्राइव लग जाएगी, पावर बैंक से भी कनेक्ट हो जाएगा, हथेली के जितना है, छोटा सा और काफ़ी बेहतरीन 25 से 80 इंच तक की आपकी दीवार को या पर्दे को स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इससे पूरा मज़ा ले सकते हैं, अपना सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके TV देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट म्यूजिक मूवीज फोटोज़ काफ़ी सही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, काफ़ी मेहनत करी है मैंने अलग अलग समय पे इस वीडियो को शूट करके आज कंबाइन करके आपको पब्लिश करके दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आने वाला हूँ BR टेक फिल्म्स पे, आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी के जो कि होंगे ज़बरदस्त। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ये वीडियो पसंद आया
लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।